पहुंच चुके हैं हम अपने घर पे। आज तुम्हारा भाई कर रहा है हैवी ड्राइविंग। और ये मैं खुद उठा के लाऊंगा यहाँ कंधे में ऐसे करके। चेक करो गाइस, एक मस्त एडवेंचर में जा रहे हैं। ये देखिए बंटाधारी बाहुबली। तो गाइस ये होते हैं ही सर, इससे मिलो गाइस। दोस्तों अब मैं जलाने वाला हूँ अंगीठी में आग। इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ मामा की, ये पावरफुल टॉर्च। यहाँ पे बन रही है चूल्हे में रोटियां। वेरी गुड आफ्टरनून गाइज, अभी बज रहे हैं 12 और आज डेट हो चुकी है 11। ओह माय गॉड, ये तो अच्छी राइमिंग बैठ गई। अभी बज रहे हैं 12, डेट हो गई 11 और आज हम निकल रहे हैं अपने गांव के लिए। बस मैं तो रेडी हो गया हूँ, मम्मी भी रेडी हो रही है और पैक पैक भी साथ ही साथ चल रहा है अपना। और देखो तुम्हारे भाई के तो रहते हैं 2-3 जोड़ी कपड़े, तो आराम से तुम्हारे भाई यूं देखते हैं ना, यूं अगर देख लेना कपड़ों की तरफ तो समझ लो पैक हो गए। ठीक है, तो अपन तो कोई टाइम लगाता नहीं है ज़्यादा। एंड बस गाइज, बाहर आके ब्लॉगिंग करने का कुछ अलग ही सीन है, यहाँ से अच्छा अच्छा व्यू आता है। कितनी बार बोलूँगा मैं। और मेरे बाल को देखो गाइस, आज मैंने थोड़ी नई लुक निकाली हुई है। सच बताऊँ तो मेरे बाल बन नहीं रहे थे इधर की तरफ, तो मैंने इधर शिफ्ट कर दिए। कुछ भी कर देता हूँ भाई। और मेरे मोबाइल में चार्ज भी नहीं है आज सुबह से, और अभी 12 बज रहे हैं, सुबह से लाइट नहीं है। और अभी मेरे मोबाइल में जितना चार्ज है ना, वो भी लैपटॉप की बदौलत, लैपटॉप हो चुका है ख़त्म, क्योंकि उसका सारा चार्ज आ गया मोबाइल के अंदर। लैपटॉप को हम हाथ जोड़ के नमस्ते करेंगे एंड अब चलेंगे फटाफट कार की तरफ, क्योंकि कार पे ही जाएंगे ना। अब रेडी हो चुके हैं फाइनली एंड ये रहा बैग, सिर्फ एक ही बैग जा रहा है हमारे घर से, क्योंकि ज़्यादा कपड़े भी क्या ले जाने गाँव में। दोस्तों तो ये रही कार, ये भी काफ़ी गर्म हो रखी होगी और इसे खोल देते हैं फटाफट से। तो एक बैग तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, इसको थोड़ा खुला छोड़ देते हैं ताकि अंदर की जो हवा हो जाती है ना, मतलब कार के अंदर थोड़ी फ्रेश एयर चली जाए। और गाइस इसे कर देते हैं स्टार्ट भाई। पता है यहाँ पे हाथ लगा के हाथ जल रहा है, इतनी गर्म हो रखी है। मैं तो फूक चुका हूँ यहाँ पे बैठ के, बट क्या करें, वॉरियर गाइस वॉरियर। ठीक है, और अभी मेरे को व्लॉगिंग भी जरा टाइम सेविंग मोड में करनी पड़ेगी, क्योंकि जितने रीटेक लूंगा ना उतने मोबाइल में बैटरी कम होती जाएगी और मुझे बैटरी करनी है सेव। तो चलो गाइज अब चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। तो हम निकल चुके हैं अपने गांव की तरफ। अभी पहले तो एक मिठाई की दुकान में रुकना है, क्योंकि बिना मिठाई के मजा आता ही कहाँ है गाँव जाने में। मतलब जहाँ भी जाते हैं हमारे यहाँ ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ ले जाना चाहिए, और मिठाई तो सबसे अच्छी चीज है। दोस्तों तो पहुंच चुके हैं हम डीलक्स के सामने, ये रही डीलक्स। और मेरा भाई मम्मी जा चुके हैं अंदर, और मैं यहाँ पे कार के अंदर बैठ के फिलहाल थोड़े एसी के मजे ले रहा हूँ, क्योंकि अभी यार बहुत गर्मी पड़ रही है और कार भी सच बताऊं तो गर्म हो रखी है। मैं अपने साथ ना ये देखो ये बिस्कुट लेके घूम रहा हूँ, कभी भूख लगी चलते चलते तो खा लूंगा आराम से। ये रहा SSB। और एक और बात, ये रहा मेरा स्कूल, ये मतलब जो मैं छोड़ के चले गया था 6th क्लास में। तो यहाँ पे आप झूले देख सकते हो, इस झूलों में बहुत झूला हुआ हूँ। Tell me what's been going on. चलो गाइस अब करते हैं अपने रास्ते को कंटिन्यू। सामान ले लिया है मम्मी ने, पूरा ले लिया है ना। हाँ। तो सब रेडी हैं, उल्टी तो नहीं करोगे? मोबाइल को यहाँ चार्ज में लगा दिया है, देर से ही सही दिमाग आ जाता है। ठीक है, तो थोड़ी देर इसे चार्ज होने देते हैं, अब चार्ज भी होता रहेगा और ब्लॉगिंग भी होती रहेगी। तो चलते गाइस, यहाँ से सीधा सीधा जाना है, जो मैं बोल रहा था कि यहाँ से हमारा गाँव पड़ेगा अब। तो चलते हैं गाइस, मजा आने वाला है, मैं पहली बार चलाने वाला हूँ इस रोड में कार, तो चलते हैं। तो गाइस अभी एक पॉइंट पे उतरा हूँ मैं, यहाँ से मस्त सा व्यू आ रहा था तो दिखाता हूँ पहले मैं आपको। और ना पता है क्या, हम जब भी जाते हैं ना तो हम रुक रुक के जाते हैं, जैसे मम्मी पापा मैं ये भाई हो गए, तो हम रुक रुक के जाते हैं व्यू देखते हैं। यहाँ से व्यू देखो आप, आ रहा है ना मस्त देखिए। ये रेलवे लाइन जा रही है, तो गाइज यहाँ से रेलवे लाइन जा रही है, तो वो वाला है ना वो ब्लू ब्लू। तो गाइज वो जहाँ ब्लू ब्लू फेंस हो रखी है ना, मेरे को तो दिख नहीं रहा क्योंकि वो स्क्रीन ब्राइटनेस कम हो रखी है मोबाइल की, बट वहाँ से जा रही है रेलवे लाइन। एक टाइम ऐसा आने वाला है कि श्रीनगर में रेल सुविधा भी हो जाएगी, तो मस्त से आएंगे हम। कभी जैसे कार ले जाने का प्लान नहीं है, कभी ट्रेन में आने का प्लान है, तो फिर मस्त ट्रेन में होके आएंगे लेट के। तो इधर सीधे मलेथा है, और इधर से ही ना सच बताऊं तो इधर से ही देहरादून जाने का रास्ता है। उधर से अगर आपको रोड दिख रही होगी ना, तो उधर ही उधर उधर इस पहाड़ के पीछे पीछे पीछे। तो काफी अच्छा लगा ये व्यू देख के। अभी मैं कुछ इस लोकेशन में रुका हूँ, काफी अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों मेरा मन करता है जैसे व्यू आता है ना जहाँ से, वहां रुक जाओ। और तब देखो ये देखो गाइस पीछे। बस यार एक चीज बता दूं मैं,
वहाँ अगर आपको दिख रहा होगा ना, वहाँ जंगलों में आग लग रखी है। एक मिनट, हाँ तो वहाँ देखो भाई यार, वहाँ आग लग रखी है। जानवर होते हैं ना तो उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, देखो धुएं से तो उन्हें भी प्रॉब्लम आती है, हमें भी प्रॉब्लम आती है अगर हम ज़्यादा देर धुएं में रह जाए तो इसलिए ये ठीक नहीं है यार। और दोस्तों ये जो आगे दिख रहा है ना आपको, ये है श्रीनगर गढ़वाल, और जो आगे है ये है मामी जी का गाँव। मामी जी अगर ब्लॉग देख रहे हैं तो मामी जी को भी अपनी गाँव की याद आ जाएगी इसे देख के। एंड ये देखो आगे गांव ही गांव है। यहाँ पे जैसे अब तुम पहाड़ साइड आते हो ना तो तुम्हें ऐसे बहुत सारे गांव दिख जाते हैं। ये देखो वहाँ भी एक गांव है, यहाँ भी एक गांव है। अच्छी वाइब आती है काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी। और यहाँ पे कार पार्क कर रखी है। कार भी जब पार्क कर रहा हूँ ना मैं तो सोच समझ के कर रहा हूँ कि भाई मतलब जहाँ पे जगह है ज़्यादा कि दो गाड़ियाँ वो हो जाए, आस पास हो जाए, तो इसीलिए। मैं अपने गांव का नाम बता दूं, मेरे गांव का नाम है चोपड़ा, जो कि पड़ता है देलचौरी से आगे, और देलचौरी पॉइंट पड़ने वाला है अब। ये यहां पे कार रोक दी, वैसे तो मैं रोकता रहूंगा जहां जहां से अच्छा व्यू आता रहेगा, बट मेन पॉइंट देलचौरी है। देन हमें वहां पे रुक के थोड़ा सामान लेना है, क्योंकि एक छोटी बहन ने मंगा रखी है गुड़िया, उसे गुड़िया चाहिए तो उसके लिए लेंगे। तो चलते हैं गाइस, राइड को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों पहुंच चुके हैं हम देलचौरी, और मेरे को कमेंट में बताना कि मैं जो दोस्तों बोल रहा हूँ ये सही लग रहा है मेरे मुंह से, या फिर गाइस बोलना सही लग रहा है, वो आप बताना ठीक है। बाकी ये है कुछ देलचौरी। ओके, पीपल का पेड़ अभी तक है यार, मस्त है। तो गाइस यहाँ पे आ रखे हैं खिलौने लेने के लिए। इस शॉप में आ रखे हैं। जब भी हम गांव आते हैं तो इधर हम चाय जरूर पीते हैं, मतलब मैं तो नहीं पीता, खैर मम्मी जरूर पीती है चाय। और ये आंटी जी की शॉप है। कैसे हो आप? ठीक हो? और अभी पता चला आंटी जी का भी यूट्यूब चैनल है, तो आंटी को भी सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, मैंने अभी नोटिस किया है यहाँ पे। तो दोस्तों हम यहाँ से निकलते हैं, अभी एक गुड़िया की दुकान में रुकना पड़ेगा, वो मिली नहीं रही यार, वो पता नहीं क्या करे, अब रोने लग जाएगी, छोड़ गई हमारी। तो गाइस वैसे पहुंच तो चुके हैं, बट हमारा गांव ना थोड़ा सा अपडेट हो गया है, तो रोड ना ऊपर तक जा रही है, और हमें आदत पड़ी हुई है कि हम गाड़ी यहीं पे खड़ी करते थे, तो अब ऊपर जाएंगे गाइस। खुशी हो रही है गाइस, नहीं तो ऊपर चलना पड़ता है ट्रैकिंग। देखो ट्रैकिंग करने में बुराई नहीं है, बट एक टाइम होता है जब मन करता है ट्रैकिंग करने, बट नहीं। You hide your pain, but I can see it etched on your face. I know the feeling. Swear you're okay, but you're barely breathing. Don't you walk away. दोस्तों आज तुम्हारा भाई कर रहा है हैवी ड्राइविंग, चढ़ाई है एकदम खड़ी और उबड़ खाबड़, और मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, आपको बताऊंगा उतर के कि रोड कैसी थी। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ, मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, गाड़ी बंद कर देते हैं तो रास्ता दिखा देता हूँ। पहले तो मैं आपको रास्ता किस तरीके का था, तो यहाँ पे कर दिया मैंने कार पार्क, और यहाँ पे और भी कार पार्क है, बट रास्ता देखो गाइज, यहाँ से पूरा उधर यहाँ से फिर यहाँ से ऊपर, तो मजा आ गया, काफी खुश हूँ मैं, मैंने कर दिया। मेरे को लग रहा है मम्मी अंदर ही बैठी रहेगी। गाइज जब भी आप गाड़ी का डोर लॉक करते हो ना, देखो ऐसे करना चाहिए, बस इजी, कोई ऐसे करता है यूं फेंक के मारता है, बट नहीं ऐसे करना चाहिए। देखो अरे चाबी अटक गई, तो ऐसे करना चाहिए, बस इजी एकदम। तो अब हमें थोड़ी सी यहाँ पे ट्रैकिंग करनी है, ये देखो जहाँ मम्मी जा रही है ना यहाँ पे, एंड मैंने कितना भारी सामान पकड़ा है गाइस, ओ माय गॉड, देख रहे हो तुम्हारे भाई के बाइसेप्स भाई साहब, ये देखो ये हल्का हल्का सामान तो ये पकड़ रहे हैं, मैंने बहुत सबसे भारी सामान पकड़ा हुआ है। और यहाँ से व्यू चेक करो गाइस, डुगू कैसे हो, पहचाना आपने? नहीं पहचाना। तो अब जा रहे हैं ऊपर, हमें जाना है गाइस उस घर में, देख लो उस घर में जो दिख रहा होगा आपको यहाँ ऊपर। कितनी थकी हारी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि गाड़ी पे बैठ के नहीं, गाड़ी को बैठा के आई होगी मम्मी जैसे अपने कंधे में। दोस्तों पहुंच चुके हैं हम अपने घर पे, तो ये है पीछे आपको दिख रहा होगा, काफी मस्त घर है, पुरानी वाइफ्स है यहाँ पे, बचपन हमारा यही कटा हुआ है, और मेरे प्यारे मामा जी यहाँ पे बैठे हुए है। तो यहाँ पे लग रहे हैं गन्ने, अभी छोटे छोटे हैं यार, अभी क्या बोलूँ, अब जब बड़े हो जाएंगे तब खाऊंगा यहाँ पे। और यहाँ से व्यू चेक करो अब आप, और पहले मैंने उस साइड लगा दी थी गाड़ी जो जूस में मैं आया था ना अभी गाँव, तो फिर मेरे को याद आया कि यार यहाँ तो रोड भी बन चुकी है,
फिर मैं इधर से घुमा के इधर से इधर इधर से इधर आपने देख ही लिया होगा, एकदम खड़ी चढ़ाई में गाड़ी लाया हूँ। वो अपने हुनर के किस्से क्या क्या बताऊँ आपको, अब क्या नहीं कर सकते, फिल्टर यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसमें नहीं कर सकते है, नहीं कर सकते है, नहीं कर सकते। देखो तभी कितने गोरे लेकिन मस्त है ना, दोस्तों तो हम जा रहे हैं पानी भरने और ये मैं खुद उठा के लाऊंगा यहाँ कंधे में ऐसे करके, ठीक है। तो तुम्हें मेरा नया लुक देखने को मिलेगा और ये पूरी पलटन मेरे पीछे जा रही है। देखो कैप्टन को ना आगे रहना चाहिए आगे, और मैं इनका कैप्टन हूँ एक तरफ से समझ लो। टाइम है व्लॉगिंग करते करते नीचे गिर गए अभी। कुछ इस तरीके का रास्ता है, पतला पतला संकरा संकरा, और ये देखो मेरे हाथ में है बंठा, हम इसे बंठा बोलते हैं और गागर भी बोलते हैं। तो हम इसे लेके जा रहे हैं धारे में, धारे से आता है पानी और काफ़ी अच्छा धारा है हमारे गांव का। मैं भी काफ़ी टाइम बाद देखने वाला हूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद आया हूँ। और यहाँ देखो गाइस गड्ढा, यहाँ से थोड़ा बच के आना पड़ेगा बट मेरे लिए सब ठीक है यार, हो जाएगा। चेक करो गाइस, ये रहा हमारे गांव का धारा। Tell me what's been going on. दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो ये भर चुका है, तो मैं इसे पकड़ के ही निकाल दूंगा। तो अभी तो हम जा रहे हैं घर की तरफ, ये जो हमने पानी के बर्तन भरे हैं इन्हें घर रख देंगे एंड देन गाइज एक मस्त एडवेंचर में जा रहे हैं। वो एडवेंचर ये है कि हीसर एक फ्रूट होता है जो कि गांव में उगता है, अब मुझे नहीं पता कहीं उग सकता है बट मेनली वो गांव में ही मिलता है, तो हमें वो कलेक्ट करने हैं और खाने हैं। मैं दिखा दूंगा आपको हीसर होते कैसे हैं, क्योंकि कुछ लोग मेरे को लगता है अनअवेयर हैं, मुझे अवेयर करना है उन्हें, ठीक है। तो पहले इन्हें रख के आते हैं फिर चलते हैं गाइस। अब वियोन ये देखिए बंठाधारी बाहुबली, क्या फायदा है ऐसी बॉडी बना के भयंकर, बंठा नहीं उठाया जा रहा ढंग से। देखो गाइस क्या हाल हो गया, यही होता है तुम्हारी प्रैक्टिस छूट जाती है ना बंठा उठाने की। आगे पीछे पूरा भीग चुका हूँ, बाकी ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है ना कि मैं ताकत नहीं है ताकत नहीं है। एक तो मैं उठा के ला रहा हूँ बिल्कुल आराम से, ठीक है। नहीं नहीं उठा के दिखा मैं देखू, उठा के दिखा, नहीं नहीं उठाना, उठाता क्यों नहीं, क्या करना है उठा के। अब चल चल चल, मुझे तो बस उठवाना था, क्यों सही प्लान नहीं है। अब हमारा मिशन है गाइस हीसर लाने का, जो कि सबसे मेन मिशन है। देखो पानी तो आता रहता है, आता जाता रहता है, ठीक है। हीसर बहुत ही मेहनत करने के बाद मिलते हैं, तो चलो अब हीसर कलेक्ट करने चलते हैं, देन आपको दिखाते हैं हीसर क्या चीज होती है। तो निकल चुके हैं गाइस अपने हीसर मिशन के लिए। चतुषी का तेरी बारी। तो हम यहाँ आ चुके हैं गाइस खेतों में खतरों के खिलाड़ी बनने के लिए। और गाइस जब भी आप जंगल में आओ इस चीज से बच के रहना, ये लग गई तो बबराट मस्त है। मैंने इसे पिछले वाले व्लॉग में भी बताया होगा क्योंकि गढ़वाल साइड बहुत मिलती है, बहुत ज्यादा। तो गाइज ये होते हैं हीसर, तो हमें इन्हें तोड़ना है, रुको हमें इन्हें ऐसे करके यूं तोड़ना है, ये देखो। तो ये है हीसर, ओ इसमें तो कीड़ा लगा है, बस हमें यही निकालने हैं और फिर हमारा मिशन हो जाएगा कंप्लीट। तो इतने ही हीसर हमने कलेक्ट किए हैं और हमने आधा से ज्यादा तो खा भी दिए हैं। और ये झूठ बोल रहा है, दिख गई है पब्लिक। नहीं ही सर दिखे, तो बस इतना ही कलेक्ट करके जा रहे हैं, हंसना मत भाई कोई भी, ठीक है। मेहनत की हम लोगों ने, कांटे चुभे हैं थोड़े से। तो दोस्तों मैं तुम्हें थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, ये है मेरी लिटिल सिस्टर लविका, तुषी का पीछे वाली है। इससे मिलो गाइस, छुटकू से छुटकू। पोनी है इसका नाम, पोनी है इसका नाम, क्यूट सा है काफी। इसका नाम क्या है तो बता दो,
इसका नाम है भोली और अभी आटे का कट्टे का ऑर्डर आ गया, मतलब उठा के लाना है नीचे से। और इधर भी आपको दिखाएंगे, अभी इधर भी काफ़ी यादें जुड़ी हुई है मेरी। तो पहले आटे का कट्टा लेके आते हैं। देख रहे हो तुम अपने भाई को कितना स्ट्रांग है, तुम्हारा भाई कभी ना नहीं बोलता काम के लिए। रही कार, और ये रहा गाइस कट्टा 10 किलो का, मुझे लगा था 20 किलो का, बट 10 किलो का आराम से उठा दूंगा इसे। बिल्कुल हल्का यार, चल। और अभी मैं बैठ चुका हूँ किचन में और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, यहाँ पे बना है गाइस ये देखो चूल्हा, इसमें नेचुरल आग से रोटियां बनाई जाती हैं और कुछ भी बना सकते हैं हम इसमें, बट आज मुझे इसकी रोटियां खाने को मिलेंगी। अरे इसकी रोटियां खा, इसमें बनी हुई रोटियां खाने को मिलेंगी तो काफी अच्छा लगेगा, वो दिखाऊंगा किस तरीके से बनती है। तो दोस्तों अब मैं जलाने वाला हूँ अंगीठी में आग, तो चलो। तो दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, मामा की ये पावरफुल टॉर्च, मतलब इतनी दूर का नज़ारा तुम्हें यहाँ से खड़े रह रह के मिल जाएगा रात में। लो अभी इसका कमाल दिखाता हूँ, देखते हैं कैमरे में आता है नहीं आता है। ये देखो गाइस उतना दूर का व्यू, 1 किलोमीटर की दूरी भाई, वहां तक का व्यू दिख रहा है जहां मैंने सबसे पहले कार लगाई थी। तो यहां पे बन रही है चूल्हे में रोटियां नेचुरल तरीके से और ये काफी टेस्टी होती है। तो दोस्तों आज की बस यही दिनचर्या थी। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, और एंजॉय किया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है मेरे भाई। अगले दिन नेक्स्ट व्लॉग शूट करेंगे मस्त सा, इस व्लॉग को यही खत्म करते हैं। बाय बाय गाइस, टेक केयर। गुड नाइट नहीं बोलते, तेरे को बुरा लग जाएगा। गुड नाइट गाइस।